नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 19। आखिरकार राजस्थान में एवं तमाम जगह कब मिलेगा गुजर समाज को न्याय, इसी को लेकर लगातार गुजर समाज के जो गुजर इंटरनेशनल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुजर साहब हमारे साथ है। गुजर साहब, आखिरकार सरकारें आती है चली जाती है, तमाम सरकारें 5 साल रुकती है और चले जाती है, और गुजर समाज के ऊपर अत्याचार लगातार अभी भी जारी है। आखिरकार कब मिलेगा गुजर समाज को न्याय, क्या कुछ आप जनता से कह रहे हैं न्यूज 19 के मार्ग पर? करतार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूज 19 का धन्यवाद कि आपने इस हमारे गुजर समाज को न्याय दिलाने के लिए आप इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। जहां तक गुजर समाज का न्याय है, मैं सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन ये मानता हूं कि आरक्षण की लड़ाई के दौरान जो 72 निर्दोष नागरिकों की सरकारी गोलियों द्वारा हत्या की गई थी, उन हत्याओं की न्यायिक जांच आज तक नहीं हुई और उनको न्याय नहीं मिल पाया है। दोष किसका है किसका नहीं है मैं नहीं कह सकता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि गत 15 से 20 वर्षों के दौरान विभिन्न विचारधाराओं की सरकारें आई, लेकिन उन्हें गुजर समाज के 72 हत्याओं की न तो जांच हुई है और न ही उनकी हत्या करने वाले दोषियों पर कोई कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की गई है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं उनको नौकरियां दे दी, तो क्या किसी की जीवन की कीमत एक नौकरी और एक बार उसको चुप करवाना है? मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। मैं सेना का अधिकारी हूं, मैं जानता हूं कि जब उग्रवादी को भी हम कभी युद्ध के अंदर या उन हालात में उसको मौत के घाट उतारते थे, उसके उपरांत भी उसको सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि की जाती थी, उसके घर वालों को सूचित किया जाता था, FIR की जाती थी, पंचनामा हो जाता था और केस क्लोज किया जाता था। तो क्या इन 72 निर्दोष व्यक्तियों को जो एक धरना दे रहे थे, अपने विचार उनको सरकार के सामने रखे थे, जब उनकी मौत सरकारी गोलियों से हुई तो न्याय जांच आज तक लंबा समय बीतने तक क्यों नहीं हुई? और बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं, उम्मीद करता हूं कि हमारी अभी मौजूदा सरकार जो अभी जीत करके आई है और गुजर समाज ने इनको खुला समर्थन किया है, शायद इस पे चिंतन करेंगे और हमारे CM महोदय जल्दी से जल्दी इस न्यायिक जांच की मांग को पूरा करेंगे और सही मायने में उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए जिन्होंने इनकी हत्याएं की थी वो सामने आए, उनको सजा मिले और हो सकता है उन 72 के अंदर सरकारी तंत्र या इंक्वायरी में निकल के आए कि कुछ लोग वो भी दोषी थे किसी कानून तोड़ने के, वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं बता दूं कर्नल साहब, अभी फिलहाल जो गुजर समाज को लेकर नया मुद्दा फिर से, यानी जैसे ही सरकार रिपीट होती है, कांग्रेस सरकार को जाने के बाद BJP सरकार यूं ही राजस्थान में एंट्री मारी है और जिन गुजर समाज के जो युवाओं पर जो मुकदमे लगे हुए थे उनका नोटिस फिर से जारी कर दिया। जी, ये भी एक बड़ी अजीब इस पूरे मामले की विडंबना है करदार जी, कि इस पूरे आंदोलन के अंदर जिस प्रकार से सामान्य गुजर समाज और जनमानस की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया, खिलवाड़ करने वाली सरकारें थी, खिलवाड़ करने वाले तंत्र थे, खिलवाड़ करने वाले गुजरों में भी गुजरों के पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इसका लाभ उठाया। दुर्भाग्य देखिए, जो 72 आदमियों जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनका तो आज तक कोई हिसाब नहीं है, सरकारी तंत्र में उनका नाम तक नहीं लिखा, इंक्वायरी की रिपोर्ट तक नहीं आई इतना लंबा, और जो निर्दोष लोग जो वहां बैठे थे उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई और जब सरकारें बदलती है वापस फाइल खुलती है, वो बेचारे जो अपनी मांग लेके बैठे थे और जिनने बच गए वो अब कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, और जो मांग लेके बैठे थे जो गोलियों से मर गए वो वैसे बात करने के लिए उनकी कोई नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार के जो केस में उलझा करके रखा है वो दोषी थे कि निर्दोष थे, अब वो तो आपको गुजर नेतृत्व से सवाल करना चाहिए, वो तो विभिन्न चुनाव लड़ने के बाद अपनी अपनी बड़ी बातें आपने हैं, पर उन निर्दोष व्यक्तियों को जिनको कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं मौजूदा सरकार जो हमारे गुजरों की अगर बात का सच्चा ध्यान रखती है तो ये मुकेश रूप में वापस लेने चाहिए और उन निर्दोषों को वापस तंग ना किया जाए ऐसा प्रावधान सरकार को मौजूदा हमारे बजरलाल जी की सरकार को करना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। मैं बता दूं कर्नल साहब, एक बड़ा मुद्दा बड़ा जो जनता के सामने अभी जो जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने इस मुद्दे को उठाया था वो यानी खत्म होने के बाद और यानी उनके अंतिम सब कुछ यात्रा पूरे राजस्थान में की जो कि विजय बैंसला के माध्यम से की गई,
और जिस सरकार की गोली से जो कि जिस समय गुजर बेहतर गुजरों के जो यानी जो शहीद हुए समाज के लिए उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार थी राजस्थान में और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से राजस्थान में है। क्या उसी कर्नल का बेटा विजय बैसला यानी बीजेपी सरकार से चुनाव लेकर चुनाव लड़ता है और उसी की देखरेख में ये जो गुजर समाज के युवा नेता है यानी जो गुजर समाज के युवा भाई है उनके यानी खिलाफ एक सरकार के द्वारा नोटिस भेज रहे हैं, कहां का न्याय ये बताइए कर्नल साहब। देखिए भाई ये क्योंकि जिस प्रकार से आपने एक भावनात्मक मुद्दे को व्यक्तिगत कर दिया मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहूंगा। मैंने देखिए मेरी बात रखी आपके सामने कि हमारे समाज के भी कुछ लोगों की गलती रही होगी जिसके कारण निर्दोषों पे मुकदमे लगाए गए और सरकारें आई। तो मैं आज भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि कौन चुनाव लड़ता है कौन नहीं लड़ता है किस पार्टी के दौर में क्या हुआ वो चर्चा मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि आज मेरी मांग आज के मुख्यमंत्री महोदय से आज की सरकार से मोदी जी जैसा यशस्वी व्यक्ति आज देश को लीड कर रहा है। तो मैं आज के समय में यही कहना चाहूंगा कि जो लोग जिन पे गलत मुख में सही मुख में लगे पहली बात तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता तो हम तो यही कहेंगे गलत मुख में। और अगर किसी प्रदेश के अंदर अपनी बात रखने के लिए धरने देने के कारण आप केस लगाते हैं और उन केस की कोई सुनवाई भी नहीं करते तो आपने तो धरने देने वाले का अधिकार छीन लिया। दूसरी तरफ धरना देने वाले के कुछ साथियों को आपके सरकारी तंत्र की गोलियों से उनको हत्या कर दी गई, उनके खिलाफ आज तक कोई आपने कार्रवाई नहीं की, उनको बुलाया तक नहीं, पूछा तक नहीं और इंक्वायरी नहीं की। तो मैं मानता हूं ये दोनों गलतियां तंत्र से हुई है। दोनों का सुधार के लिए एक तो इसका पहला यह है कि जो न्यायिक जांच है वो जांच पूरी करके हमको बताया जाए कि भाई कितने उन्हें बेहतर में से क्या दोष था या दोष नहीं था और जिसके बाद जिन्होंने हत्या की उनके दोषियों को रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो देश का कानून कहता है वो सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जिन निर्दोषों को अपनी जान बचाने के लिए उनपे केस लगा दिए गए और एक हवा बना दी गई कि गुजर समाज पूरा ही इस तरह का काम करता है उन बेचारे गरीबों से केस हटाओगे कब, क्या उनके मरने के बाद हटाओगे? पहलों को वैसे मार दिया अब इनको चक्कर कटा कटा के मार रहे हो। तो भाई अगर कोई गुजरों से नाराजगी है किसी की तो भाई बता दो पर बेवकूफ बनाना बंद करो। और हमारे गुजर नेतृत्व से भी मेरा सवाल है कि आप चुनाव लड़ते समय तो गुजर गुजर करते हो, वोट लेने आ जाते हो, या तो भाई साहब ये चुनाव चुनो का ये ढकोसला बंद करो वरना गुजरों के न्याय के लिए आगे आइए। और आप अगर नहीं कर सकते तो नए नेतृत्व को आगे आने दो जो हमारे समाज की बात रखे। अब मैं तो उसमें हूं नहीं क्योंकि चुनाव की राजनीति एक अलग है, सामाजिक राजनीति अलग है। तो जो चुनावी राजनीति के धुरंधर है कृपया करके समाज के साथ न्याय करवाए और हमारा जो देश का नेतृत्व है मोदी जी का जो मैं मानता हूं वो एक सही दिशा में काम कर रहा है उनके साथ मिलकर गुजर भी एक कंधे से कंधा मिला के देश की उन्नति में काम करे, ऐसा होना चाहिए। ऐसी कर्नल साहब मैं आपको बता दूं कि आप एक इंटरनेशनल गुजर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि आप पूरे प्रदेश को देखते हैं और एक गुजर समाज के जो अध्यक्ष हैं वो राजस्थान तक सीमित है जो कि विजय बैसला जो कि कर्नल करोड़ सिंह बैसला के पुत्र है। मैं ये कह रहा हूँ आप एक पूरे यानी प्रदेश को लीड करते हैं। इंटरनेशनल गुजर महासभा एक बड़ी संस्था है जो कि यही नहीं जम्मू कश्मीर तक गुजरों की मदद करती है। मैं ये कह रहा हूँ जिस प्रकार से आप समाज की पैरवी कर रहे हैं क्या विजय बैसला को भी उसी प्रकार मुद्दे उठाने चाहिए जिस प्रकार से करोड़ी बैसला ने राजस्थान में उठाए। जैसे कि जम्मू कश्मीर में देखिए इस बात को यानी इंडियन आर्मी भी कहती है, वहां की फौज भी कहती है कि अगर गुजर समाज हमारे साथ नहीं होती तो शायद ही हम लड़ाई लड़ पाते। क्या कुछ है वहां के बकरवाल गुजरों की? देखिए आपने बहुत सही मुद्दा उठाया क्योंकि मैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गुजर महासभा है जम्मू कश्मीर से मैं करीब 35 वर्ष से जुड़ा हूँ। तो वहां जैसे आपने बताया कि ऐसा नहीं कि वहां कोई हमारा गुजर समाज को ज्यादा, आपने सही कहा हिंदुस्तान का कोई भी सैनिक गर्व के साथ कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर में उन पहाड़ी क्षेत्रों में गुजर बकरवाल नहीं होता तो शायद भारतीय सेना को विजय हासिल करने में बहुत दिक्कत आती। और वो कैसे आती कि गुजर बकरवाल ही एक ऐसा तत्पर था कश्मीर में उग्रवाद के दौर पे जो सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ता था। 2002 की बात याद कीजिए ऑपरेशन हिल काका शर्प विनाश, उस दौर में मैं नया नया कर्नल बना था, मुझे आज तक याद है कि किस प्रकार से भारतीय सेना के गुजारिश करने पर वहां के लोकल हिल काका क्षेत्र के जो लोग थे वो आगे आए, महिलाएं आगे, उन्होंने बंदूक चलाने की प्रशिक्षण लिया और सेना के साथ उग्रवादियों से लड़ाई लड़ते लड़ते जहां एक तरफ 35 सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे वहीं हमारे 35 गुजर बकरवाल भी शहीद हुए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
आप गूगल कीजिए, वहां जाइए इलाका में, आज भी सेना एक मेमोरियल बना रखा है 35 गुजर बकरवाल सिविलियन के नाम है जिन्होंने जीवन का बलिदान दिया। एक तरफ सैनिकों का है और सबसे बड़ी बात यह वो गुजर बकरवाल थे जिनके पास न वर्दी थी, न उनको पैसा मिलता था, न उनका कोई सम्मान मिलता था और न ही उनको मरने के बाद उनके उनके शहीद होने के बाद आज तक उनको कोई नौकरी तो छोटा उनको सम्मान तक नहीं दिया गया है। अब जो मेमोरियल बनाया वो सेना ने बनाया है, सेना तो सदैव गौरव के काम करती है पर सरकारी तंत्र फेल हो चुका है। तो मैं आपसे कहूंगा जो राजस्थान की समस्या वो वहां भी है, वहां सरकार और सेना मानती है कि गुजरों का बलिदान है। अरे पर मानने से क्या होता है, भूखे पेट भजन हो ना दादा, तो उनको शहीद कब मानेगी जम्मू कश्मीर की सरकार, भारत की सरकार? पूरा विश्व जानता है कि वहां वो 37 गुजर और 4 हमारी महिलाएं टोटल 41 या 42 है जिन्होंने जीवन का बलिदान दिया, उनको शहीद का दर्जा दीजिए। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि राजस्थान में कोई नौकरियां दे दी, अरे नौकरी यहां दी आपने ना, पर न्याय तो यहां भी नहीं मिला। कश्मीर में तो उनको नौकरी छोड़ के कोई भत्ता भी नहीं दिया गया। तो मैं आग्रह करूंगा आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय तक की मेरी बात पहुंचे आपके चैनल के मार्फत एलजी महोदय से कि भाई जब जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए दिया तो शहीद का दर्जा तो उनका बनता है और उनके परिवार की देखभाल जो आर्थिक सहायता है एक अनुकंपा नौकरी है वो क्यों ऐसा अन्याय, समझ में नहीं आता कि गुजर विशेष ये इस तरह के काम सरकार तो मैं नहीं मानता कि करती होगी पर हम शायद हमारी बात नहीं रख पाए पूर्व काल में। तो उम्मीद करता हूं जो आज ये दोनों मुद्दे हैं राजस्थान सरकार के पास आपकी मार्फत रख रहे हैं कि उनको भी न्याय दिलाए, उनकी इंक्वायरी हो और दूसरे जिन लोगों पे गलत मुद्दे में दर्ज हो गए उनको माफ किया जाना चाहिए, दर्जे हटाने चाहिए, जिन्होंने गलत मुद्दे में दर्ज किए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो, कश्मीर के लिए उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और तुम देखिए कश्मीर के, देखिए ये कौम ऐसी है सर गुजर बकरवाल कश्मीर के जो बड़े दयालु और सेना के साथ इनका बिल्कुल ऐसा कठोर संबंध है, जो इतना प्रेम का संबंध है। थोड़े दिन पहले कश्मीर के अंदर लोगों ने भड़काने की प्रयास किया जो सेना के नाम से उनके गुजर बकरवाल और 4 की हत्या कर दी गई और वो दोष सेना पे मढ़ने की कोशिश की। पर देखिए क्योंकि इनका प्रेम ऐसा था वो सेना से न्याय की उम्मीद करते, सेना सदैव न्याय करती है ऐसा लोग मानते हैं, तो सेना और गुजरों का रिश्ता नहीं बिगाड़ पाए और उस मसले का समाधान प्रेम पूर्वक किया। गुजरों ने कहा नहीं भाई आप इंक्वायरी करो पर फौज के खिलाफ कुछ नहीं आना चाहिए। तो ऐसी बहादुर कौम में ऐसे भोले वाले लोग हैं, इनके साथ न्याय तो बनता है। और अब न्याय एक बड़ा सवाल कर रहा था मेरा, एक बड़ा सवाल जो कि फेसबुक ट्विटर के माध्यम से आज भी गुजर समाज के युवा उसको मांग कर रहे हैं कि क्या जो गुजर आरक्षण आंदोलन जो हुआ था यानी गुजरों ने जो आरक्षण की जो मुहिम छड़ी थी क्या वो सफल हुई, क्या जितना परसेंट आपको आरक्षण चाहिए था वो क्या मिला, क्या कुछ है? देखिए साहब मैं गुजर आरक्षण आंदोलन पे ना बोलूं तो अच्छा है, बोल दूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। समाज पूछ रही है करना सर, समाज पूछ रही है, आप एक इंटरनेशनल गुजर महासभा के अध्यक्ष होने के नाते मेरा सवाल है अगर आपका क्या आपकी मांगे पूरी की गई सरकार के द्वारा या कुछ अधूरी है अभी? अगर आपका सवाल हमारे गुजर समाज के नागरिकों की ओर से है तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं ये बता दूं कि गुजर समाज को आरक्षण के नाम पर सब ने बेचा है, सबने ये पिटोरा पकड़ाया है। और देखिए गुजर समाज ने तो बेहतर बलिदान दिए हैं साहब और उसके बाद भी गुजर आरक्षण नाम की कोई जगह नहीं है। जो गुजर आरक्षण के जो जिन्होंने अपने वो लगाए ना पीठ थपथपाई कि हमने वो कर दिया, तो मुझे एक व्यक्ति ये बता दे कि आज गुजर के नाम से राजस्थान में कहीं आरक्षण है? नहीं है भैया। पहले गुजर का आरक्षण था जो ओबीसी में था जो 22% मिलता था करतार जी और 1% गुजरों को अलग से दिया जाता था, गुजर का 1% आरक्षण था और कोई आरक्षण नहीं था। उसके बाद 2019 में जब वापस आंदोलन होता उस आंदोलन का मैं हिस्सा था, उन्हीं पटरियों पे मैं पूरे के पूरे करीब फरवरी का महीना था उसमें मैं वहीं बैठा था और उसमें जब हमारी बातचीत हुई थी तो मैं तो इतना क्योंकि मैं एक समाज के नाते बैठा था आंदोलनकारी नहीं था तो मैं जो भी फैसला कर रहे थे उसके बीच में वहां भी हमारे साथ धोखा हुआ क्योंकि जब वहां पर चर्चा हो रही थी तो मैं वहीं मौजूद था जैसे मैंने बताया और मेरे साथ बहुत सारे जो उस समय दौर में 2019 में पटरियों में बैठे थे मलान डुगर में वो सब गवाही दे सकते हैं। हमने फैसला किया था कि कोई भी शर्त सरकार से बात नहीं की जाएगी लेकिन फिर छुप करके कुछ लोग चले गए, बातें कर ली और बात के बाद हमें सरप्राइज ये हुआ कि समाज के साथ फिर धोखा हो गया, फिर एक एमबीसी वर्ग बना दिया गया, गुजर नाम को हटा दिया गया, 1% जो आरक्षण मिलता था वो भी लूट लिया गया और 5 जातियों का एक एमबीसी वर्ग बना करके
और उनको आरक्षण दे दिया गया, तो गुजर को तो फिर भी आरक्षण नहीं मिला है। प्लीज, हमारे लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने जीवन बलिदान दिया है, गवर्नमेंट्स और इन सिस्टम ने हमारा बेवकूफ बनाया है और बेवकूफ बन रहे हैं आज भी। गुजर का कोई नहीं। जो लोग कुछ चर्चा करते हैं कि भाई 5% मिल गया, अरे भाई किसको दे दिया? उसमें गहलोत साहब की मेहरबानी, उन 5 जातियों से करीब 12 कर दी गई है। अब 12 जाति 5% उधर 22% कौन सा बेहतर था? गुजर का नहीं था, एक ब्लॉक का था वो। और आज गुजर के नाम से कोई आरक्षण नहीं है भाइयों, गलतफहमी मत आइए। जो लोग कहते हैं 5% दिया, वो गुजर को नहीं दिया। यस, गुजर ने जान गवाई, गुजर ने बलिदान दिया, गुजर ने वहां पर आंदोलन किया, लेकिन हमारे कुछ बंदों ने हमारे समाज के साथ धोखा किया और सर्व समाज के फायदे दिलवाए और गुजर वहीं का वहीं है। आज आरक्षण ले रहे दूसरी जातियां और गुजर के जवान, वो बेहतर तो पता नहीं उनकी आत्माएं कब शांत होंगी, जब ये न्याय करेंगे, जब उनके उनके हत्यारों का पता लगेगा। और जो उस समय आंदोलन कर रहे थे वो बेचारे इसके चक्कर काट रहे कोर्टों के, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, ये दुर्भाग्य है। और मैं बस यही कह सकता हूं, करतार जी आरक्षण के नाम पे मत समाज को दुखी करो। और जो हमारे समाज के अपने आप को इलेक्टोरल पॉलिटिशियन कहते हैं, चुनावी राजनेता कहते हैं, जो चुनावी मैदान में कूद के आते हैं, भाई साहब कब न्याय होगा? आपने कभी आवाज उठाई किसी ने? और आप जाके फिर व्यक्तिगत तौर पे उस पॉलिटिकल पार्टीज के विचार में फंस जाते हो। इसलिए मैं मानता हूं आप अगर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उनका विचार पे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं तो भाई साहब यही कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर सकता हूं, हमारे राजस्थान प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी आपसे भी आग्रह कर सकता हूं कि देखिए न्याय करें आप। वोट नागरिक किसको देते हैं? मुझे उम्मीद है भजन लाल जी जरूर इस पे न्याय करेंगे, क्योंकि अभी अब सरकार नई नई बनी है और मोदी जी के कार्यकाल में कोई गलत में उम्मीद नहीं करता हूं, बस ये कि हमारी बात नहीं पहुंची है। तो करतार जी आप हमारी बात पहुंचाइए उन तक, और मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों केस भी परमानेंट वापस लिए जाएंगे और उन हत्यारों के अगेंस्ट भी केस दर्ज होंगे और कानून अपना काम करेगा। सजा क्या वो हम तय नहीं कर सकते, पर मैं ऐसा मानता हूं दोनों काम होने चाहिए। और आरक्षण की बात, भाइयों देखो, आरक्षण के नाम का एक पिटारा और लेके मत घूमो। मैं आपने बार बार एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के आप मेरे को उलझाना चाहते हैं करतार सिंह जी, पर मैं देखिए हमारे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, वो उनकी सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, सबकी अपनी अपनी सेवा है, लोग जानते हैं। पर मेरा ये मानना है आज के दिन गुजर समाज के साथ आज तक तो धोखा हुआ है, आरक्षण के नाम पे उससे बड़ा धोखा हुआ है। और होता क्या है, जब कभी नौकरी निकलती है, मुझे याद है मैं जब सिकंदरा के उसके शहीद स्मारक बनाने के लिए आंदोलन कर रहा था उस दौर में, तो वहां हर बार लड़के आके बैठ जाते थे और हर बार मैंने, वो क्या कहते थे, उनकी मांग सिर्फ एक रहती थी, साहब हमारा बैकलॉग, वो बैकलॉग सरकार ने कर दिया, वो भाग गए। तो भाई साहब ऐसा है, और मैं तो आखिरी बात बड़ी दुखद बता सकता हूं कि गुजर समाज के नाम से या जो भी जो आरक्षण का लाभ उठाया है, जिस दिन वो आरक्षण का लाभ ले लेते हैं, वो कहीं आकर के पीछे वालों की कोई चर्चा नहीं करते, कोई आके बात नहीं करता। तो आग्रह है सरकार से, उम्मीद है हमारे साथ, न्याय करो। वोट किसको दे किसको नहीं दे वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, पर ऐसी सुदृढ़ हमारी डेमोक्रेसी में जहां यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जैसे आदमी है, बस कमी यही है करतार जी, उन तक इन बातों का पता नहीं है। और ये सारे के सारे मुद्दे आपका चैनल उठाता रहता है, मैं आभारी हूं। और गुजर समाज के मेरे नागरिकों से आग्रह है, अगर आप सही मायने में अपना भविष्य चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय चाहते हैं, तो ये लिपा पोती में आना बंद करें। और जब कभी चुनाव हो देश के अंदर, जिसके नेतृत्व के पीछे भागने की बजाय आप सवाल करो कि हमारे साथ न्याय कब होगा, पूछिए अपने एमएलए से, पूछिए सरपंच से, पूछिए अपने एमपी साहब से जो टिकट लेके आएंगे, क्या हमारा वोट चाहिए, क्या हमारे साथ ये करेंगे, और उनको रिकॉर्ड, उनकी आवाज रिकॉर्ड करें। और लास्ट की मेरी दो, गुजर समाज के साथ अन्याय की बात हो रही है, मैं राजस्थान विशेष बात कर रहा हूं। करतार जी एक बात बताओ, क्या राजस्थान के अंदर हमारे जो स्थानीय और जो जिनको बोलते हैं भूमि पुत्र बच्चे नहीं है? क्या पॉलिटिकल पार्टी हमारे स्थानीय बच्चों में विश्वास नहीं करती है? क्या राजस्थान में एक या दो इनको गुजर बच्चे नहीं मिल सकते, पॉलिटिशियन नहीं मिल सकते हर पार्टी को, कि आपको बाहर प्रदेश से बाहर से लाने पड़ते हैं और हमारे ऊपर थोपे जाते हैं? मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता हूं, अच्छा तो नहीं लगता, बिगाड़ तो सकता नहीं हूं। और समाज भी देख रहा है
मैं इस बार बधाई देना चाहूंगा, इन चुनाव में बीजेपी ने कोई बाहर से विधानसभा के चुनाव में बाहर वाले को टिकट नहीं दिया, आपका हमारी हो, पर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। मेरा आग्रह है कि कोई भी पार्टी राजस्थान के गुजरों के सम्मान करे और राजस्थान से बाहर के व्यक्ति को ला करके टिकट हमारे ऊपर ना थोपे, प्लीज नहीं करो ऐसा। हमारा भी स्वाभिमान है, गरीब आदमी आपके लिए बोल नहीं सकता। और रही बात जो कहते हैं बाहर से लाएंगे, तो फिर अंग्रेजों को लिया हिंदुस्तान में हमारी सरकार की क्या जरूरत है? हम स्थानीय काबिल है, जैसे है हम हमारे मुद्दे बेहतर समझते हैं, ऐसा मेरा मानना है करतार जी। तो आपने देखा और सुना, ये है अंतरराष्ट्रीय गुजर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देव कर्नल आनंद साहब। इन्होंने अभी भी अहम मुद्दे हम बातें बताई कि लोकसभा चुनाव भी आ रही है कि भारी जो कि बाहर के आदमी को लाकर यहाँ चुनाव लड़ाया जाएगा तो वो प्रताश से बाहर है, और गुजर समाज के जो युवाओं के ऊपर जो मुकदमे लगे हुए और जो नोटिस आए हैं उन्हें सरकार वापस ले और उसके बाद ही आगे की रणनीति तय करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, नमस्कार।